हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए आए हैं चैप्टर 15 पॉलीगन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको तैयार करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन। वी नो दैट बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ अ रूलर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि हम पेंसिल को स्केल की, रूलर मीन्स दैट स्केल, उसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो स्केल की हेल्प से हम लाइन को कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। दूसरा है डेफिनेशन कर्व। बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग द कर्व्ड एज, भाई हम अपनी पेंसिल को किसी भी कर्व्ड एज पे राउंड सर्कल बनाते हैं, लाइक दैट ऑफ अ कॉइन। या कॉइन ले लीजिए, कॉइन के हेल्प से हम सर्कल बनाते हैं, दैट्स अ कर्व, उसको हम कर्व कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कॉइन दिया हुआ है, कॉइन की हेल्प से हमने कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कौन सी? अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। ऐसी फिगर जो जहाँ से स्टार्ट हुई हो वहीं पे आके एंड हो जाए, उसको कहते हैं क्लोज फिगर। एग्जांपल आपको दे दिया है, फिगर बता दी गई है। उसके बाद बात करते हैं ओपन फिगर। अ फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसी फिगर जो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, उसको कहते हैं ओपन फिगर। एग्जांपल यहाँ मैंने दो दे दिए हैं, आप देख सकते हैं दोनों के ओपन फिगर हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आके एंड नहीं हुआ है। एंड द लास्ट सिंपल क्लोज फिगर। अ क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज फिगर। ऐसी फिगर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, या उसकी जो आपस में जो लाइंस हैं, साइड्स हैं, वो एक दूसरे बाइसेक्ट ना करें, उसको कहते हैं सिंपल क्लोज फिगर। उसका एग्जांपल ये आपको फिगर ड्रॉ कर दी गई है। ये सिंपल क्लोज है, जो एक दूसरे कट नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये क्लोज है, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे जाके एंड हुई है, लेकिन एक दूसरे काटा नहीं है, इसलिए एक क्लोज सिंपल क्लोज फिगर है। ओके, ऊपर से क्लोज फिगर थी। बात अगली डेफिनेशन दी है पॉलीगन्स। अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट। ऐसी क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर जो तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। तीन या तीन से ज़्यादा, ओके। और उन फिगर में क्या क्या होता है? उन फिगर में साइड्स होती है, वर्टिसेस होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, एंगल्स होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दी है, एक पॉलीगन की, और इसमें मैं साइड की बात करूंगा। तो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड। कोई भी लाइन सेगमेंट से मिलकर एक फिगर बनती है, तो इस फिगर में जो भी साइड्स हैं, जो लाइन सेगमेंट उनसे मिलकर फिगर बनी है, और इस फिगर ए बी सी डी में हमारी फोर साइड है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, दोनों चारों आपको दिखाई दे रही है, फोर साइड्स। बात करें वर्टिसेस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या साइड मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। और यहाँ पे आप देखते हैं इस फिगर में आपको चार वर्टेक्स दिखाए गए होंगे, ए बी सी डी, ठीक है, फोर वर्टिसेस इन द दिस पॉलीगन। उसके बाद के डायगोनल्स, डायगोनल्स को देखिए, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसी दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वर्टिसेस होते हैं, अगर हम उनको ज्वाइन कर दें तो उनसे बनने वाली जो लाइन होती है, वो जो लाइन होती है, उसको कहते हैं डायगोनल। जैसे यहाँ पे ए और सी देख लीजिए, दोनों अपोजिट हैं, और इन दोनों से मिलकर जो लाइन बनी है ए सी और बी डी, ये दो लाइन सेगमेंट है जो इनकी, इसकी डायगोनल है, इस फिगर की डायगोनल है ए बी ए सी एंड बी डी, ओके। बात करते हैं ट्राइंगल। अ पॉलीगन हैज थ्री साइड, जिस पॉलीगन की थ्री साइड होती है उसको ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल हैज थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। ट्राइंगल में तीन एंगल, तीन साइड और तीन वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइड वाले क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। पेंटागन, अ पॉलीगन ऑफ फाइव साइड इज कॉल्ड अ पेंटागन। फाइव साइड की फिगर को आप पेंटागन कहते हैं। अ पेंटागन हैज फाइव साइड, फाइव एंगल एंड फाइव वर्टिसेस। हेक्सागन, अ पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड इज कॉल्ड अ हेक्सागन। छह साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं, और हेक्सागन में सिक्स साइड, सिक्स एंगल एंड सिक्स वर्टिसेस होते हैं। हेप्टागन, अ पॉलीगन ऑफ सेवन साइड इज कॉल्ड अ हेप्टागन। पॉलीगन जिसमें सेवन साइड होते हैं उसको हेप्टागन कहते हैं। हेप्टागन में सेवन साइड, सेवन एंगल एंड सेवन वर्टिसेस होते हैं। ऑक्टागन, अ पॉलीगन ऑफ एट साइड इज कॉल्ड अ ऑक्टागन। ऑक्टागन हैज एट साइड, एट एंगल एंड एट वर्टिसेस। देन आफ्टर दैट होमवर्क है आज का, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
इन एक्सरसाइज 15 फ्रॉम योर बुक. आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपने आप करने बेटा, डू योर सेल्फ, क्योंकि दोनों तीनों क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है फिलिंदा ब्लैंक्स है और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सिर्फ सर्च आउट करना है कि कौन से पॉलीगन्स हैं कौन से नहीं हैं. तो ये आपको खुद करने एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करने हैं आपको. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.